हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। टेस्ट को गांव देखना है, अगर आपको गांव का कल्चर देखना है और अगर आपको कुल्हड़वाड़ी चाय पीनी है, सो हे गाइस, आई एम रिचा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिमी ऑफिशियल। सो मैं अभी आ गई हूँ प्लेस पे आप लोगों को विजिट कराने, जो कि लखनऊ में अवध शिल्पग्राम है। यहाँ पे हुनर हाट लगा हुआ है, कार वाला जो यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया है वो लोकल वोकल फॉर लोकल है। सो आप सभी का वेलकम है, और जो यहाँ आने का रोड रास्ता है पूरा, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। सो आप लोग यहाँ आइएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये, और यहाँ पे पूरे हमारे इंडिया से जगह जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और जो उनकी कारीगरी है या जो जो भी हमारा होममेड चीज़ होता है वो पूरा यहाँ पे दिखाया है, होममेड नहीं, हैंडमेड चीज़ है। ठीक है, चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये था एंट्री पॉइंट, और एंट्री के टाइम पे यहाँ पे पूरा चेक वेक करने के बाद उसके बाद एंट्री दे रहे थे। और जैसे आप एंटर करते हो तो अंदर आपको लेफ्ट साइड में ही यहाँ से एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाता है, और ये बहुत ही प्यारे प्यारे से क्ले के पॉट्स और वास थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। सो अगर आप भी देखोगे तो ऑब्वियस है कि आपको भी ये अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर ये चार कहाँ के? अच्छा, क्ले के साथ साथ में यहाँ पे मिट्टी के भी बहुत तरीके तरीके के आपको यहाँ पे बर्तन, जैसे मर्तवान हो गया या दिए हो गए, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हुनर हाट में यहाँ पे जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है, आने का कोई चार्ज नहीं है, और ये 22 जनवरी से 4 फरवरी तक लगा हुआ है। तो आप लोग आके यहाँ पे आराम से घूम सकते हो। सैकड़ों जितने भी कारीगर हैं, जितने भी शिल्पकार हैं, वो यहाँ पे आए हैं, और उनका जो जितनी भी वो अपनी चीज़ें हैं, जो हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। जैसे कि खासकर खादी की जो चीज़ें हैं, खादी हो गई, मिट्टी से रिलेटेड चीज़ होगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रॉपर आपको मिलने वाली, जो आप देखते नहीं हो। यहाँ पे अच्छी खासी आपको सेल्फ पॉइंट मिल जाएंगे फोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। सो यप, और संडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, और फिलहाल हम संडे को नहीं आए हैं, तो ये चीज़ तो सही है। और आप यहाँ आइए और अच्छे से इसको इन्जॉय करिए लखनऊ में। इस एग्जीबिशन में आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको केवल स्वदेशी चीज़ें ही मिलने वाली हैं, कोई भी बाहर की चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि हुनर हाट का मतलब ही यही है कि हैंडमेड चीज़ें, होममेड चीज़ें जो हैं, जितना हो सके हम उतना लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग बाहर की चीज़ों से ज़्यादा खुद की बनी हुई चीज़ों पर भरोसा करें। सो आप यहाँ पे आइएगा ज़रूर, और ये जो है 22 जनवरी से 4 फरवरी तक चलने वाला है। और एंड आई नो कि वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट होगा और बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट ठीक है, वीडियो का फुली एंजॉय करिएगा। अंकल, ये ज्वेलरी कहाँ की है? संभल की है। ओके, यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग्स में ही आपको जो है बैग्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों की बहुत ही क्यूट क्यूट सी जो है ड्रेसेस थी वो भी मिल जाएंगी। और जैसे आप एंटर करोगे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पे सेल्फी पॉइंट, सबसे पहले सेल्फी पॉइंट मिलेगा, जो कि हुनर हाट लिखा हुआ है, कलरफुल है बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने वालों की कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी यहाँ पे। और इधर साइड में भी कुछ आपको सामान मिल रहे थे, जैसे ज्वेलरी हो गई और साड़ियाँ हो गई, जो कपड़े हो गए। यहाँ पे इस एग्जीबिशन में जो है सिल्क की और कांजीवरम, हर तरीके की साड़ी आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी थी, बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। जो हुनर हाट का असली एग्जीबिशन है वो तो यहीं से स्टार्ट होता है, जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे उसके बाद आप जो यहाँ का नज़ारा देखोगे वो बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत कहते हैं ना मनमोहक, लुभावना, लाइक इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ बहुत अच्छी जगह है। सो उस कुछ इसी तरीके का ये जगह था, और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें लगनी चाहिए हैं जिससे कि हम अपनी जो संस्कृति है, जो अपने कल्चर है, जितनी भी हमारी जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनसे हम रिलेट कर सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। जो ये वाला सेल्फी पॉइंट था ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि इसमें साइड में तो पंजाबी जो स्टैचूज हैं मेल एंड फीमेल के वो थे, और स्टैचू के साइड में अम्ब्रेलाज लगे हुए थे जो कि उसको और ज़्यादा ही सुंदर बना रहे थे।
यहाँ पे बड़ों के साथ साथ बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए भी काफ़ी चीज़ थी, इसमें कि झूला था और ताकि बच्चे यहाँ बिल्कुल बोर ना हो, पूरी तरीके से उसे यहाँ इंजॉय करें। सो ये सब देख के आई नो ऑफ कोर्स आप लोग की भूख बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे और टेस्टी टेस्टी फूड आपको मिलने वाला है। अपने प्रदेश की अलग अलग जगह से लोग आए हैं और वो अपने खाने का जो स्टॉल है वो लगाए हैं, और आप यहाँ पे आके आराम से इंजॉय कर सकते हैं, फन कर सकते हैं, रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत है, थक जाना है, तो बस उसके लिए ये बेस्ट अड्डा है। भैया आप लोग किधर से हैं? कहाँ से? आगरा। अच्छा, क्योंकि अब नॉर्मल ऐसे भुट्टे तो जल्दी मिलते नहीं हैं, तो बाहर के ही होंगे। सो मैम, मेरी फ्रेंड और यूट्यूबर, अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताओ। सौम्या स्टडी ब्लॉग्स। हाँ ओके, ठीक है, तो मैं अभी फॉलो दैट कर जरूर देना, ठीक है, फिर एक बार चेकआउट कर लेना, और कर जरूर देना सब्सक्राइब इनके चैनल को, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, आपको उधर बहुत अच्छे अच्छे से स्टडी के टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, बस थोड़ा सा सपोर्ट करा, सपोर्ट बिल्कुल। और हम बाय चांस यहाँ पे मिल गए हैं, सो मैं, मुझे लगता है आई थिंक स्कूल के बाद हम लोग मिल रहे हैं ना, स्कूलिंग के बाद हम लोग मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मिलके फिलहाल, और मैं इसको पहचाना भी नहीं था थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैं पतली हो गई और पहले मैं ज़्यादा मोटी थी। और ये मम्मा है, तो आंटी का भी चैनल है, आप इनके चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। आंटी का नाम है हरप्रिया मजन। बिल्कुल, आप इनके चैनल को भी एक बार विजिट करिएगा, आप बहुत अच्छा, आंटी गाना भी गाती हैं और ढोलक भी बहुत अच्छा बजाती हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों लोग के चैनल को कर दीजिएगा यार, सारे यूट्यूबर ही करते होंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी सी इयरिंग्स मिल रही थी, और पर्सनली मुझे तो इयरिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो अगर ऐसी कोई शॉप होती तो इयरिंग ले बिना तो मैं वहाँ से बिल्कुल जा ही नहीं सकती हूँ। अंकल ये सब कहाँ गए? मुरादाबाद। यहाँ पे कल्चर इवेंट्स और प्रोग्राम्स के लिए भी एक प्रॉपर पंडाल था, जिसमें कि आप उसे पूरा जिसे अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। जब आप शाम को आओगे, शाम के टाइम पे यहाँ पे प्रोग्राम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अभी रिसेंट में ही कैलाश खेर जी भी यहाँ पे आए हुए थे। इस एग्जीबिशन में भदोही की कालीन, कन्नौज के इत्र, अलीगढ़ के ताले और पीलीभीत के बांसुरी, जो कि अभी आपको दिखने वाले हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो चीज़ जिस स्टेट की फेमस है वो यहाँ पे, हर एक चीज़ यहाँ पे थी, सारी की सारी एग्जीबिशन में सब कुछ यहाँ पे मौजूद था। ऐसी कई ही चीज़ें थी जिन्हें कि मैं अपने कैमरे में कैप्चर भी नहीं कर पाई, बट मैंने पूरी कोशिश की कि उसे आप लोग को दिखाने के लिए। सो यप, वैसे तो जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही अच्छी थी, मैंने फुली एंजॉय किया। सो आप लोग भी जाके इसे पूरी तरीके से एंजॉय ज़रूर करिएगा। सब घूम फिर लिया, अब हम चलें घर की तरफ, और थोड़ा बहुत अभी और रह गया होगा, सो उसे मैं रास्ते में एंड अप कर दूँगी। और वैसे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूमने में, तो आइएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो यस, I'm going to go.
सिलाई तो देना चाहिए। ये देखो इयररिंग मेरी। राजस्थान सुनाई दे रहा होगा, उसमें और पास आ जाओगी तो सुनाई देगा। चलो फिर ठीक है, हम पैसे दे देते हैं इसके। बंद कर दे। वीडियो को यही एंड कर दे रही हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, ठीक है, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।